आइए आपको लेकर के चलते इस वक्त की धार जिले की एक और बड़ी खबर की ओर, जो आ रही जिले के सादलपुर के ग्राम अंतराय से, जहां ग्राम अंतराय में विद्युत डीपी में फॉल्ट के बाद लगी आग को बुझाने 30 वर्षीय जमुल खां पिता रहीम खां आग बुझाने गया था। इसी दौरान अचानक विद्युत तारों के चपेट में आ गया, जिससे करंट लगने से वो बुरी तरह झुलस गया। इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामवासियों ने तुरंत सूझबूझ दिखाते हुए देसी तरीके से उपचार देकर उसके प्राणों की रक्षा की। बताया जा रहा है कि ग्राम अंतराय में शाम को अचानक विद्युत डीपी में फॉल्ट हुआ, जिसे बुझाने जैमूर खान मौके पर पहुंचा था। इस दौरान करंट दौड़ रहे तार उस पर आ गिरे, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गया। घटना को देख रहे लोगों ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत उसे देसी नुस्खे से उपचार देने हुए गड्ढा खोद गीली मिट्टी में गाड़ दिया एवं उसकी हालत ठीक होने पर धार उपचार हेतु निजी साधनों से भेजा गया। ग्रामीणों के अनुसार घटना के दौरान उन्होंने पुलिस एवं 108 एम्बुलेंस को भी खबर की, परंतु समय रहते कोई भी नहीं आया। इस वजह से देसी तरीके से उसका उपचार किया गया और उपचार में लाभ मिलने से तुरंत निजी साधनों से उसे धार चिकित्सालय भेजा गया। पूरा मामला सादलपुर के ग्राम अंतराय का है, जहां लोगों की सूझबूझ से देसी नुस्खे से करंट से पीड़ित एक व्यक्ति की जान बचाकर आगे उपचार हेतु धार भेजा गया है। सर, लाइट फॉल्ट होने के कारण आग लग गई थी और आग बुझाने गए व्यक्ति जैनुल खां पिता रहीम खां, तो ये अंदर गए आग बुझाने, तो तार लगे हुए थे, लाइट चालू थी, उसके कारण से इनको करंट लग गया है, घायल हो गए। इनको उठा के बाहर लाया गया और गड्ढा खोद के इनको पानी में डाला गया और सब गांव वाले मिलके आग बुझाई। अच्छा, तो उपचार कैसे किया, मतलब पानी में डालने की वजह से क्या होता है? पानी में करंट जो था वो उसको अर्थिंग जमीन ने खींच लिया, तो उससे बड़ा हमको शांति मिल गई। भैया, लाइट फॉल्ट हो गई थी, हवा चल रही थी, आंधी तूफान आया था, तो उससे आग लग गई और आग बुझाने की कोशिश करी हमने, तो घर में लाइट आ गई वापस एकदम, तो फॉल्ट हो गई, वो उनका हाथ में उसमें आ गया करंट में, तो करंट लग गया, उनको लेके अभी धार गए वापस, उनको एक आधा घंटा तो घर में रखा हमने। अच्छा, और उसके बाद धार लेके गए सरकारी अस्पताल। तो कैसे उपचार किया था, मिट्टी में रख के इनको? मिट्टी में पाउडर से खोदा, उसके बाद उनको डाला वहाँ से, और कम से कम 1000 लीटर पानी डाला उनके ऊपर, मिट्टी टोटल गीली करी, उसके बाद उसमें भी आ गए। अब कहाँ लेके गए? उनको धार लेके गए अस्पताल, सरकारी अस्पताल। आग कैसे बुझाई आपने? या आग सारे गांव वाले ने मिल के सबके घर में से पानी निकाल के उसको बुझाई हमने, और 5:30 बजे की आग लगी, 8 बज चुका है अभी, और फायर ग्रेड का कोई पता नहीं है कि उसके बाद यार पूरा गांव जल जा रहा, जब तक भी मतलब फायर ग्रेड नहीं आती यहाँ पे, 3 घंटों का आग लगी वो, उसके बाद एम्बुलेंस भी नहीं आई यहाँ की जगह, हम हमारी गाड़ी पर्सनल गाड़ी करके लेके गए उनको अस्पताल, और अभी तक फायर ग्रेड नहीं आई यहाँ की जगह, 3 घंटे हो चुके अभी तक।